नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त, 100 बात की 1 बात का। 100 बात की 1 बात में आज अवैध वसूली के लिए दिल्ली में कारोबारी के घर पर फायरिंग करने वाले लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में संसद की एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड में 200 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने की खबर आई, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भ्रष्टाचार पर चाबुक चलते रहने की गारंटी दी। और इसराइल की सेना पर गाजा पट्टी में फिलिस्तीन के 100 लोगों के कपड़े उतरवाकर परेड करवाने के गंभीर आरोप लगे। बड़ी खबर आई अकाली दल के नेता दीप मल्होत्रा के घर पर हुई फायरिंग से जुड़ी। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में 3 दिसंबर को हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम आकाश और नितेश हैं, दोनों हरियाणा के रहने वाले बताए गए। आरोप है कि इन दोनों ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के इशारे पर दीप मल्होत्रा के घर पर गोलियां चलाई थी। पुलिस के मुताबिक इनका मकसद फायरिंग करके दीप मल्होत्रा को डराना था, ताकि उनसे पैसों की वसूली की जा सके, क्योंकि दीप मल्होत्रा शराब के बड़े कारोबारी हैं। और दावा किया जा रहा है कि कुछ रोज पहले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने उनसे पैसों की डिमांड की, और आरोप है कि पैसे नहीं देने पर गोल्डी बराड़ ने दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में मौजूद दीप मल्होत्रा के घर पर गोलियां चलवा दी थी। हालांकि पुलिस ने इस वारदात में शामिल दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिसंबर को हुई इस घटना का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, और उस वीडियो में 2 बदमाश पिस्तौल से अकाली दल के पूर्व विधायक और शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के घर पर फायरिंग करते दिखाई दिए। 3 दिसंबर को शाम करीब 6:30 बजे अचानक हुई फायरिंग की इस घटना के बाद उस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि दोनों बदमाशों ने बेखौफ अंदाज में घर पर फायरिंग की और फिर पैदल ही वहां से फरार हो गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें दोनों बदमाश शाम के वक्त पैदल दीप मल्होत्रा के मकान के आगे से गुजरते दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही दोनों शूटर मकान के सामने पहुंचे, दोनों ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बताया गया कि दोनों बदमाशों ने दीप मल्होत्रा के घर पर 5 से 6 गोलियां चलाईं और फिर वहां से भाग निकले। वारदात को अंजाम देने के दौरान दोनों शूटरों ने अपना चेहरा छिपा रखा था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 5 दिन बाद फायरिंग करने वाले इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन शूटरों तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सुराग के नाम पर पुलिस के पास सिर्फ 1 वीडियो था। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस का एक टीम फौरन दीप मल्होत्रा के घर पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई थी। और इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी कैमरों से मिले वीडियो में दोनों बदमाश मकान पर पिस्तौल से फायरिंग करते नजर आए, लेकिन दोनों शूटरों के चेहरे नहीं दिख रहे थे, क्योंकि पहचान छिपाने के लिए दोनों बदमाशों ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था और तो और उन्होंने हुडी पहन रखी थी। इस केस में बिल्कुल भी क्लू नहीं था, और फुटेज में भी देख देख के दिल्ली पुलिस के सभी लोग परेशान थे, क्योंकि लड़के तो ये बाहर से मंगाते हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस इलाके के दर्जनों सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। इस दौरान एक वीडियो में दोनों बदमाशों का चेहरा साफ नजर आ गया। पुलिस के मुताबिक दोनों शूटरों के नाम आकाश और नितेश हैं। 23 साल का आकाश हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला बताया गया, जबकि 19 साल का नितेश हरियाणा के ही चरखी दादरी का रहने वाला बताया गया। आरोप है कि दोनों ने दीप मल्होत्रा के मोबाइल फोन पर एक वॉइस नोट भी भेजा था। बाद में पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक आकाश और नितेश नाम के ये दोनों शूटर लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं, और इन्होंने इस वारदात को विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के आदेश पर अंजाम दिया था। ताकि फायरिंग की इस घटना से डरकर अकाली दल के नेता दीप मल्होत्रा लॉरेंस गैंग को पैसे देने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों बदमाशों ने इस वारदात को शाम के वक्त अंजाम दिया था। उस दौरान सड़क से तमाम गाड़ियां गुजरती दिखी, इसके बावजूद वीडियो में लॉरेंस गैंग के शूटर आकाश और नितेश बड़े आराम से दीप मल्होत्रा के घर पर गोलियां चलाते और फिर वहां से फरार होते नजर आए। हालांकि कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। पूछताछ में इस बात का पता चला है कि दोनों शूटर विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार के संपर्क में थे, और उसी के कहने पर दोनों ने कारोबारी के घर पर गोलियां चलाई थी। पुलिस के मुताबिक इन दोनों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस घर पर उन्होंने फायरिंग की थी वो किसका है, और तो और ये दोनों शूटर एक दूसरे को भी नहीं जानते थे।
मतलब दोनों शूटरों को यह तक नहीं पता था कि वो किसके घर पर गोली चला रहे हैं। इस वारदात को अंजाम देने के लिए लॉरेंस गैंग ने पूरी तैयारी की थी ताकि पुलिस को गुमराह कर दोनों शूटरों को गिरफ्तार होने से बचाया जा सके, और पुलिस का दावा है कि इसी वजह से इस वारदात को अंजाम देने के लिए हरियाणा के अलग अलग जिलों से लड़कों को बुलाया गया था। मतलब ये शूटर लॉरेंस गैंग से तो जुड़े थे लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे। पुलिस के मुताबिक इन्हें सिर्फ इस बात की जानकारी दी गई थी कि दोनों को सिर्फ एक मकान पर गोली चलानी। इन्हें यह तक नहीं पता था कि जिस मकान पर इन्होंने फायरिंग की थी वो मकान किसका है और किस वजह से गोलियां चलाई गई। इनको कुछ नहीं पता था, इनको तो बस ये हाउस नंबर है, ये इसकी फोटो है, यहाँ से बाइक उठाना, यहाँ से पिस्टल उठाना, यहाँ जाके इतनी गोलियां चला देना। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। सूत्रों का दावा है कि इन दोनों शूटरों को एक अज्ञात आदमी के जरिए गोली चलाने के निर्देश मिले थे। वारदात वाली जगह पर कैसे पहुंचना है, हथियार कहां से उठाना है और वारदात को अंजाम देकर कैसे भागना है, इसकी एक एक जानकारी पहले से ही तय कर दी गई थी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब लॉरेंस गैंग ने अकाली दल के नेता और शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा को निशाना बनाया। इससे पहले पंजाब के फरीदकोट में उनकी शराब की दुकानों पर भी हमला हुआ था ताकि उनसे पैसों की उगाही की जा सके। दीप मल्होत्रा 2012 में पंजाब की फरीदकोट सीट से अकाली दल के विधायक रह चुके हैं। उनका पुश्तैनी घर भी फरीदकोट में ही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फरीदकोट में लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने दीप मल्होत्रा की शराब की दुकानों में आग लगा दी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने लॉरेंस गैंग को पैसे नहीं दिए थे। पुलिस का मानना है कि इसी वजह से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में मौजूद उनके घर पर फायरिंग करवाई और अब इनको ये लग रहा था कि ये दिल्ली में रह रहे हैं तो सेफ है, वो मैसेज भेजने के लिए। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में शामिल शूटर आकाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं और वो गैंगस्टर बनने के लिए लॉरेंस गैंग में शामिल हुआ था, जबकि शूटर नितेश को लॉरेंस गैंग ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए पैसों का लालच दिया था। हालांकि पुलिस का दावा है कि इन दोनों शूटरों को दीप मल्होत्रा के घर पर फायरिंग करने के लिए अभी तक पैसे नहीं मिले। इस बीच न्यूज 18 की टीम राजस्थान के बीकानेर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर पहुंच गई। गैंगस्टर रोहित गोदारा को राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा बताया जाता है और न्यूज 18 की टीम ने जब रोहित गोदारा के बड़े भाई से बात की तो वो कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रोने लगा। गोगामेड़ी की हत्या के बाद रोहित गोदारा के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई थी और उस पोस्ट में उसने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। और जब न्यूज 18 की टीम ने गोगामेड़ी हत्याकांड पर रोहित गोदारा के बड़े भाई हनुमान स्वामी से बातचीत की तो वो बुरी तरह रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोहित गोदारा की मां भी घर के कोने में रोती नजर आई। हनुमान स्वामी के मुताबिक रोहित की वजह से उनका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। रोते रोते उन्होंने ये भी बताया कि उसकी वजह से न तो लोग उनके घर आते हैं ना ही पड़ोसी, यहाँ तक कि रिश्तेदारों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। जिंदगी बर्बाद कर दी सर, मेरी हमारे कोई परिवार वाला नहीं आता है घर पे, ना कोई पड़ोसी आता है, पूरे घर को बर्बाद कर दिया सर। गैंगस्टर रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है और उसके घर वाले वहाँ खेती किसानी का काम करते हैं, लेकिन रोहित के अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद से उनकी जिंदगी में कोहराम मचा हुआ। और न्यूज 18 से बातचीत के दौरान घर वालों ने रोहित गोदारा से अपराध की दुनिया छोड़ने और बेगुनाह लोगों की हत्या नहीं करने की गुहार लगाई। घर वालों के मुताबिक 2007 में वो पहली बार जेल गया था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि वो अपराध की दुनिया में इतना आगे निकल जाएगा और वो पैसों के लिए लोगों का खून बहाने लगा। पुलिस सूत्रों का दावा है कि रोहित गोदारा गैंग के गुर्गों ने ही 5 दिसंबर को जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत कड़नी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की थी। बाकायदा उसके नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। इसीलिए घर वालों ने रोहित गोदारा से अपराध छोड़ने और बेकसूर लोगों को नहीं मारने की अपील की। सर मैं तो यही कहूंगा, इस उदरदा और क्यों निर्दोष लोगों को मार रहा है भाई, तेरी क्या दुश्मनी है सर, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। घर वालों के मुताबिक रोहित गोदारा पर उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस किया था और वो उसी मामले में 2007 में पहली बार जेल गया था। घर वालों का दावा है कि जेल में ही उसकी मुलाकात दूसरे अपराधियों से हुई थी, क्योंकि बाहर आने के बाद वो लगातार वारदात को अंजाम देने लगा था और इसी वजह से घर वालों ने उसे 2010 में घर से निकाल दिया था।
इसके बाद उसका नाम कई अपराधों में सामने आया। उस दौरान वो कई बार जेल भी गया। मतलब घर और घर वालों से दूर होने के बाद रोहित गुदारा अपराध की दुनिया में पूरी तरह उतर चुका था। लेकिन उसके इस कदम से पूरा परिवार ही बिखर गया। न सिर्फ नाते रिश्तेदार बल्कि गांव और समाज ने भी उनसे किनारा कर लिया। घर वालों का दावा है कि पिछले कई साल से रोहित गुदारा न तो गांव आया है और न ही उससे उनकी कोई बात हुई। हालांकि घर वाले उससे लगातार सरेंडर करने की अपील करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि या तो रोहित गुदारा को पुलिस मार गिराएगी या फिर वो किसी दूसरे गैंग की गोली का शिकार हो जाएगा। ऐसे अपराधियों का तो अंत यही है, पुलिस की गोली या सामने वाले की गोली। इनका तो यही अंत है, किसी का भी देख लो, जितने भी गैंगस्टर से सबका अंत गोली ही हुआ सर। घर वालों के मुताबिक 3 साल पहले रोहित गुदारा अजमेर की जेल से छूटा था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो दुबई भाग चुका है और वो वहीं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि दुबई में बैठकर रोहित गुदारा ने ही अपने गैंग के गुर्गों से सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या करवाई थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि पंजाब की बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर संपत मेहरा के इशारे पर रोहित गुदारा ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और दुबई से इशारा मिलते ही रोहित गुदारा गैंग के शूटरों ने घर में घुसकर गोगा मेड़ी को छलनी कर दिया था। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे राजस्थान में बवाल मच गया, क्योंकि शूटरों ने जिस तरह से गोगा मेड़ी की हत्या की थी उसे देखकर लोग खौफ से भर गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड की पूरी साजिश पंजाब की बठिंडा जेल में रची गई थी। और ये साजिश किसी और नहीं बल्कि लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर संपत नेहरा ने रची थी। वही संपत नेहरा जिसने एक्टर सलमान खान की हत्या के लिए मुंबई में उनकी रेकी की थी। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि संपत नेहरा ने जेल में गोगा मेड़ी की हत्या की साजिश रची और उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया दुबई में बैठे रोहित गुदारा ने। सूत्रों का दावा है कि इस हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी रोहित गुदारा गैंग के ही शूटर हैं और दोनों ने रोहित गुदारा के आदेश पर गोगा मेड़ी की हत्या कर दी। मतलब गोगा मेड़ी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रोहित गुदारा है और उस पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम रखा। सूत्रों का दावा है कि रोहित गुदारा इन दिनों राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गों में गिना जाता है। इससे पहले गुदारा का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी सामने आया था और आरोप है कि उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गाड़ियों का इंतजाम करवाया था। इसी वजह से कई राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश है। राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला रोहित गुदारा 19 साल की उम्र से ही अपराध की दुनिया में एक्टिव है। उसके खिलाफ पहला मुकदमा 2007 में दर्ज हुआ था और वो 15 बार जेल भी जा चुका है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि बाद में उसने अपना गैंग बना लिया था, लेकिन पिछले कुछ साल से वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले साल 29 मई को हुए मूसेवाला हत्याकांड में भी रोहित गुदारा शामिल था और तभी से पुलिस को उसकी तलाश है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि पिछले साल 13 जून को वो दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट से दुबई भाग गया था और इसी वजह से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी हो चुका है। दावा है कि पिछले 9 महीने से गुदारा दुबई में छुपा है और वहीं से लॉरेंस बिश्नोई के आदेश पर राजस्थान और पंजाब समेत दूसरे राज्यों में वारदात को अंजाम देता है। उधर बड़ी खबर आई कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर धीरज साहू पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिलने का ट्वीट किया और कांग्रेस को घेरा। उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाया कि जनता से लूटी गई पाई पाई जनता को लौटाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट शेयर की, जिसके मुताबिक आयकर विभाग की छापेमारी में धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने का दावा किया गया। और इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों पर 3 राज्यों ओडिशा, झारखंड और कोलकाता में कई ठिकानों पर पिछले 3 दिनों से छापेमारी की जा रही है और उन्हीं में एक ठिकाने की तस्वीरें सामने आने का दावा किया गया। ओडिशा के संबलपुर से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। वहां एक साथ इतने सारे नोटों के बंडल रखे दिखाई दिए मानो वो किसी बड़े बैंक का लॉकर हो। वहां कमरे में एक नहीं कई बड़ी बड़ी अलमारियां रखी थी। उन अलमारियों के हर खाने में नोटों के बंडलों को एक दूसरे के ऊपर बड़े करीने से सजा कर रखा गया था। इतने नोट जिन्हें एक साथ सामने से देखना तो दूर, एक आम आदमी सपने में भी नोटों के इतने बड़े बंडल शायद ही देख पाता होगा। नोटों के बंडलों से लोहे की अलमारियां तो भरी थीं,
कमरे में बने लकड़ी के रैक पर भी सैकड़ों गड्डियां रखी दिखाई दी। यानी पूरा का पूरा कमरा ही नोटों से भरा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक कमरे में मौजूद लोहे की 9 अलमारियों में करोड़ों रुपया कैश रखा, जिसकी गिनती के लिए आयकर विभाग की टीम को कई मशीनें तक मंगानी पड़ गई, क्योंकि वहां हजार लाख या करोड़ नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा रकम जमा करके रखी गई थी। इनमें 500-500 के नोटों की गड्डियां तो थी, 100 और 200 के भी सैकड़ों बंडल वहां रखे नजर आए। इतना ही नहीं, अलमारियों में दिख रही रकम के अलावा वहां कई बैग भी दिखाई दिए। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने ही कई अलमारियों से निकालकर नोटों की गड्डियों को बैगों में भर दिया। सूत्रों के मुताबिक इन नोटों को गिनने के लिए कई मशीनें लगानी पड़ी। खबरें तो ये भी हैं कि इतने सारे नोट गिनते गिनते 2 मशीनें बंद तक हो गईं। सूत्र बताते हैं कि कैश का ये भंडार धीरज साहू के करीबी के ठिकाने से ही मिला। हालांकि आयकर विभाग ने इस मामले में किसी का नाम नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग एक बार नोटों की गिनती पूरी हो जाने के बाद ही इस मामले में और जानकारी साझा करेगा। लेकिन आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये बेहिसाब नकदी कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के अलग अलग ठिकानों से बरामद हुई। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के निशाने पर ओडिशा के साथ साथ उनके झारखंड और पश्चिम बंगाल के ठिकाने भी हैं। और आयकर अधिकारी वहां भी धीरज साहू के ठिकानों की तलाशी लेने में जुटे हैं। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई, जिनमें 4 ओडिशा के बौद्ध, बलंगीर, रायगढ़ और संबलपुर जिलों में मौजूद हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कोलकाता और झारखंड के रांची में भी धीरज साहू के ठिकानों को खंगाला गया। यही नहीं, आयकर अधिकारियों ने झारखंड के लोहरदगा में मौजूद उनके घर की भी तलाशी ली। और सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीमों ने इन ठिकानों से बड़े पैमाने पर नकदी तो जब्त की ही, इसके साथ ही इनकम टैक्स चोरी से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद करने का दावा किया गया। और इस मामले में छापेमारी का वीडियो वायरल होने के बाद इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। झारखंड के लोहरदगा के रहने वाले धीरज साहू सांसद होने के साथ साथ एक बड़े शराब कारोबारी भी हैं, और उनके इस कारोबार में उनका परिवार भी शामिल है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू की शराब कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज ओडिशा की सबसे बड़ी शराब बनाने और बेचने वाली कंपनियों में एक है, और इसी कंपनी की साझेदार है बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, जिसके निदेशक धीरज साहू के भाई संजय साहू है। बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड पर इनकम टैक्स चोरी का आरोप है, और सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने इसी मामले में धीरज साहू और उनके करीबियों के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। धीरज साहू का कांग्रेस से पुराना नाता, 1977 में छात्र नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखने वाले धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे। उधर बड़ी खबर आई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर। संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई, और कमेटी की सिफारिश से जुड़े प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर लिया गया। यानी पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली गई। हालांकि महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए। महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए थे, जिसके बाद एथिक्स कमेटी को मामले की जांच सौंपी गई थी। आरोपों के मुताबिक दर्शन हीरानंदानी नाम के कारोबारी के कहने पर ही महुआ मोइत्रा ने संसद में कई सवाल पूछे, और संसद की एथिक्स कमेटी ने उन पर लगे आरोपों को सही माना। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इसे सरकार की बदले की कार्रवाई बताया। महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई के बाद पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दिया, और लोकसभा से निकलने के बाद संसद में लगी गांधी जी की प्रतिमा तक पहुंच गया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी महुआ मोइत्रा के बिल्कुल साथ चलती हुई दिखाई दी। पूरा विपक्ष महुआ मोइत्रा को संसद से निकाले जाने के फैसले के विरोध में एकजुट दिखा। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने से जुड़ा प्रस्ताव लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। हालांकि ये चर्चा सुबह से ही थी कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जा सकती, लेकिन जब सुबह महुआ मोइत्रा संसद पहुंची तो उनके चेहरे पर कोई चिंता की लकीर नहीं दिखी। उनके चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास दिखा। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले एक कारोबारी से पैसे लेने के आरोप। उधर बड़ी खबर आई वसुंधरा राजे की राजस्थान के सीएम पद पर दावेदारी से जुड़ी। खबर है कि वसुंधरा राजे ने बीजेपी हाईकमान से मिलकर मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी पेश की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उनके चेहरे पर जो मुस्कान देखी गई उसे उनका आत्मविश्वास माना जा रहा है, और माना जा रहा है कि उन्होंने मजबूती से अपनी बात हाईकमान के सामने रखी। हालांकि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान
रविवार को होगा ऐसा माना जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया। ये पर्यवेक्षक जयपुर में जाकर बीजेपी विधायकों से बात करेंगे, उसके बाद अपनी रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान को सौंपेंगे। इस बार का राजस्थान चुनाव बीजेपी ने बिना मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान किए लड़ा था, इसीलिए नतीजे आने के 5 दिन बाद भी यह साफ नहीं है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और मुख्यमंत्री पद की इसी रेस के बीच वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका सामना पत्रकारों और मीडिया के कैमरों से हो गया, लेकिन उन्होंने न तो राजस्थान की बात की और न ही दिल्ली की, यहां तक कि अपनी यात्रा को उन्होंने पारिवारिक कह दिया। क्या एजेंडा रहने वाला है? इसके बाद भी मीडिया के सवाल बंद नहीं हुए, लेकिन वसुंधरा राजे की जबान पर तो जैसे ताला लग गया। पत्रकार सवाल दागते रहे, लेकिन वसुंधरा सीधा जाकर कार में बैठ गई। खबरों के मुताबिक वसुंधरा राजे को बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली नहीं बुलाया था, बल्कि उन्होंने खुद ही दिल्ली आने का फैसला किया था। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, लेकिन दोनों नेताओं से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के बाद जब वो निकली तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास वाली मुस्कान दिखी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक चली। और खबरों के मुताबिक वसुंधरा राजे ने ये कोशिश बीजेपी हाईकमान की नाराजगी दूर करने के लिए की। अहम बात यह है कि वसुंधरा के दिल्ली पहुंचते ही राजस्थान में उनके समर्थक विधायकों ने भी उनके समर्थन में बोलना शुरू कर दिया, जबकि जीत के बाद वसुंधरा के घर जुटे विधायकों की भी जबान नहीं खुली थी। वसुंधरा राजे का आशीर्वाद लेने पहुंचे लोग हर शब्द तोल तोल कर बोल रहे थे, लेकिन इस बार अंता सीट से विधायक कंवर लाल मीणा ने वसुंधरा राजे की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी इच्छा तो वसुंधरा जी की होगी, क्योंकि हम उनके सामने ही इतने बड़े हुए हैं। कंवरलाल मीणा पर वसुंधरा राजे के समर्थन में एक रिजॉर्ट में विधायकों को कैद करने की कोशिश के आरोप भी लग चुके हैं, लेकिन वसुंधरा की प्रेशर पॉलिटिक्स का असर होगा या नहीं, ये बीजेपी के 3 पर्यवेक्षक तय करेंगे। राजस्थान के लिए जिन 3 नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है, उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नाम है। ये तीनों नेता जयपुर पहुंचकर बीजेपी विधायकों से मुलाकात करेंगे और उनकी राय जानकर बीजेपी हाईकमान को बताएंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान की नजर इस वक्त 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर, और बीजेपी का लक्ष्य उन चुनावों में राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर कब्जा करना होगा। इसलिए बीजेपी की कोशिश किसी ऐसे नेता को राजस्थान की कमान देने की होगी जिससे 2024 की राह आसान हो सके। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। उन्होंने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों के समीकरण, उनकी चुनौतियां और जीत का फॉर्मूला बताया। विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी हारी, उन सीटों पर हार की वजह भी वसुंधरा ने बताई। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे ने उन पर लगे बगावत के आरोपों पर भी पार्टी को सफाई दी। सबसे बड़ा आरोप वसुंधरा पर यह लग रहा था कि 2018 के चुनाव में हुई हार के बाद वो सक्रिय ही नहीं रही, बल्कि उन्होंने चुनाव से कुछ महीने पहले सक्रिय होकर मोर्चा संभाला। इसलिए वसुंधरा राजे के अलावा भी कुछ नाम राजस्थान के सीएम पद की रेस में आगे चल रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम महंत बालकनाथ का माना जा रहा है। महंत बालकनाथ भी दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल चुके हैं और उनका नाम सीएम पद की रेस में काफी आगे माना जा रहा है। तिजारा से विधायक महंत बालकनाथ ओबीसी समुदाय से हैं और उन्हें राजस्थान में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी सुर्खियों में है, जो दलित समुदाय से हैं, और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी सीएम पद की दौड़ में बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि सोमवार तक राजस्थान के नए सीएम के नाम का फैसला हो सकता है। उधर राजस्थान में सीएम के चेहरे पर बने हुए सस्पेंस के बीच बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के एक समर्थक ने एक अनोखी यात्रा निकालकर उनके सीएम बनने की कामना की और इसका एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में किरोड़ी लाल मीणा के वो समर्थक सड़क पर दंडवत करते नजर आए। वीडियो में आगे एक गाड़ी चलती दिखाई दी और उसमें तेज आवाज में गाना भी चलाया गया। उस गाड़ी के पीछे एक रस्सी से एक गद्दा बंधा हुआ था और वो बार बार उस गद्दे पर दंडवत करते दिखे। इस दौरान उनके साथ कुछ और समर्थक भी मौजूद थे और वो उन पर फूलों की बारिश कर रहे थे। हमारे में नहीं खिंचाए जो हमारी पूर्ति कर दियो, शेम बन जाओ। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने नारे भी लगाए। राजस्थान का एक लाल। बताया गया कि किरोड़ी लाल मीणा को राजस्थान का सीएम बनाने की मनोकामना को पूरा करने के लिए उन्होंने दौसा से जयपुर विधानसभा तक ये दंडवत यात्रा निकाली।
ताकि बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के सीएम बन जाए। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से जीत मिली थी। उसके बाद से ही उन्हें भी सीएम के चेहरे के लिए एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है। आदिवासी मीणा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मीणा ने 1989 में अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता था। मीणा 2003 से 2008 के बीच वसुंधरा राजे की अगुवाई वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री थी, लेकिन वसुंधरा राजे के साथ मतभेद बढ़ने पर साल 2008 को उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। मार्च 2018 में वो फिर से बीजेपी में लौट आए और राजे के साथ मंच पर दिखाई दी। इसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया, लेकिन उन्होंने कभी राजस्थान की राजनीति नहीं छोड़ी। राजस्थान में 13.4% आबादी के साथ आदिवासी समुदाय एक बड़ा वोट बैंक है और उसमें 6% आबादी आदिवासी मीणा समुदाय की मानी जाती है, और किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के आदिवासी मीणा समुदाय का नेतृत्व करते हैं, इसीलिए उनका नाम भी सीएम की रेस में आगे आ रहा है। उधर बड़ी खबर, गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटी इसराइल की सेना से जुड़ी हुई आई। इसराइल की सेना पर गाजा में फिलिस्तीन के 100 लोगों के कपड़े उतरवा कर परेड करवाने का आरोप लगा। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। द न्यू अरब नाम की एक वेबसाइट के मुताबिक जिन 100 लोगों की परेड करवाई गई उनमें उसका एक पत्रकार और उनका परिवार भी शामिल था, जबकि इसराइल के मीडिया का कहना है कि तस्वीरों में दिखने वाले लोगों का हमास से कनेक्शन है और इन लोगों में कुछ लोग पहले हमास के लड़ाके थे और कुछ मौजूदा समय में हमास से जुड़े हुए हैं। हालांकि इस सारी बहस के बीच इसराइल की सेना ने इन तस्वीरों पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, लेकिन गाजा में हुई इस परेड की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई बवाल मच गया, क्योंकि इसराइल पर फिलिस्तीन के आम लोगों से बर्बरता करने का आरोप लगा। दावा किया गया कि इसराइल ने गाजा में 100 लोगों की कपड़े उतरवाकर यह परेड करवाई। और जैसे ही इस मामले से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई बवाल मच गया, क्योंकि इन तस्वीरों में एक लाइन से लोग बिना कपड़ों के बैठे नजर आए। इन लोगों ने अपने सिर झुकाए हुए थे और डरे हुए दिख रहे थे। इन लोगों के आसपास कई सैनिक भी घूमते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें गाजा की। दावा किया गया कि सड़क पर बिना कपड़ों के बेबस हालत में बैठे ये लोग फिलिस्तीन के हैं और इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 100 है। और इन लोगों को गाजा में घुसे इसराइल के सैनिकों ने पकड़ा, जिसके बाद इन लोगों की ऐसी शर्मनाक परेड करवाई गई कि तहलका मच गया। आरोप लगा कि फिलिस्तीन के इन लोगों की परेड गाजा में घुसी इसराइल की सेना ने करवाई और इन लोगों को टॉर्चर किया गया। इसराइल पर यह आरोप फिलिस्तीन ने लगाया और सबूत के तौर पर यह तस्वीरें शेयर कर दी। इन्हें देखकर इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन में गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि दावा किया गया कि तस्वीरों में दिखने वाले लोग फिलिस्तीन के आम लोग और इसराइल की सेना ने इनके साथ हैवानियत की, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें पहले तो बहुत सारे लोग बिना कपड़ों के जमीन पर बैठे दिखे और जैसे ही कैमरा घूमा लोग इसी हालत में लाइन से ट्रक पर चढ़ते दिखाई दिए। एक दूसरी तस्वीर देखकर तो कलेजा ही पसीज गया, क्योंकि उसमें बिना कपड़ों के लोग घुटनों के बल बैठे दिखे। एक लाइन से बैठे इन लोगों के हाथ पीछे बंधे हुए थे और आसपास सैनिक खड़े थे। इसके बाद इन सभी लोगों को ट्रक पर बिठा कर ले जाया गया, ये दावा फिलिस्तीन के मीडिया ने किया। हालांकि इस बारे में इसराइल की सेना ने कोई औपचारिक बयान नहीं दिया और सारे दावे फिलिस्तीन के मीडिया ने ही किए। और इस वीडियो को इसराइल की सेना की हैवानियत का सबूत बताने लगा। फिलिस्तीन ने दावा किया कि वीडियो का हर फ्रेम गाजा में लोगों की दुर्दशा दिखाता है, क्योंकि इसराइल की सेना ने वहां के 100 लोगों को केवल बिना कपड़ों के सड़क पर ही नहीं बिठाया बल्कि इसी हालत में उन्हें रेत पर ले गए, जिसके बाद उनके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं। वीडियो में दिखा कि इन लोगों को ट्रक में भेड़ बकरियों की तरह बिठा कर ले जाया गया। पहले एक ट्रक गुजरा, उसके पीछे सैनिकों से भरी एक गाड़ी गई और फिर दूसरा ट्रक गया। इस ट्रक में भी लोग बिना कपड़ों के दिखे। इसके बाद एक तस्वीर आई और इस तस्वीर में बुरी हालत में लोग घुटनों के बल रेत पर बैठे दिखे और उनके आसपास सैनिक खड़े नजर आए। और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर इसराइल की सेना पर आम लोगों से जानवरों जैसा सलूक करने का आरोप लगा, लेकिन इसराइल के मीडिया ने तर्क दिया कि जिन लोगों के साथ यह बर्ताव हुआ उनका कनेक्शन हमास से था। और गाजा की सड़कों पर बिना कपड़ों के बैठे ये लोग फिलिस्तीन के आम लोग नहीं हैं। हालांकि इस बारे में इसराइल की सेना ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन वहां के मीडिया ने दावा किया कि वीडियो में दिखने वाले लोग या तो पहले हमास से जुड़े थे या अब हमास के लिए काम करते हैं, क्योंकि इसराइल की सेना गिरफ्तारी से पहले पूरी जांच पड़ताल करती है।
और इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने भी कहा था कि वो गाजा में घूम घूम कर हमास के लोगों की तलाश कर रहे हैं और इसके लिए वो गाजा के लोगों को पहले गिरफ्तार करते हैं, फिर उनसे पूछताछ करते हैं और जब तक ये पक्का नहीं हो जाता कि उनका हमास से कनेक्शन है, उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया जाता। इजराइल के मीडिया ने इन्हीं बातों को आधार बनाकर दावा किया कि गाजा में बिना कपड़ों के जिन लोगों की परेड करवाई गई, वो हमास से जुड़े थे। लेकिन हमास ने इन दावों को नकार दिया और बयान दिया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सभी निर्दोष आम नागरिक थे और इजराइल की सेना ने इन लोगों की उत्तरी गाजा से सामूहिक गिरफ्तारी की और ट्रक में भरकर ले जाए गए इन सभी 100 लोगों को उत्तरी गाजा के ही एक हिस्से में रखा गया। यानी हमास ने ये दावा करके इजराइल को नीचा दिखाने का पूरा इंतजाम कर डाला, क्योंकि एक तरफ इजराइल की सेना ने सामूहिक गिरफ्तारी से जुड़ी इन तस्वीरों के मुद्दे पर मुंह पर ताला लगा लिया और दूसरी तरफ हमास ने इजराइल के खिलाफ आग उगलनी शुरू कर दी, जिससे 100 लोगों को टॉर्चर करने का मुद्दा तूल पकड़ने लगा। क्योंकि हमास के अलावा फिलिस्तीन में काम करने वाले एक एनजीओ ने दावा किया कि इजराइल ने बुजुर्गों, डॉक्टरों, पत्रकारों और शिक्षकों को गिरफ्तार किया। यही नहीं, एनजीओ के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में कई विस्थापित भी हैं। लेकिन इजराइल ने इन लोगों को हमास के लड़ाके बताकर गिरफ्तार कर लिया। हमास और फिलिस्तीन के इस दावे को और हवा तब मिल गई जब द न्यू अरब नाम की एक वेबसाइट ने दावा किया कि परेड में शामिल लोगों में उसका एक पत्रकार और उसका परिवार भी शामिल था, जो न केवल इस परेड में शामिल थे बल्कि इजराइल की सेना ने उनसे जानवरों जैसा सलूक भी किया था। लंदन से काम करने वाली द न्यू अरब नाम की एक वेबसाइट ने दावा किया कि बिना कपड़ों के परेड करने वाले लोगों में उसका एक पत्रकार भी था। यही नहीं, वेबसाइट ने दावा किया कि इजराइल ने उस पत्रकार के परिवार को भी पकड़ा और उन्हें भी टॉर्चर किया। वेबसाइट के मुताबिक इन लोगों में कई डॉक्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा गिरफ्तार कैदियों में कई की पहचान भी हो चुकी है और उनके परिवार के मुताबिक उनका हमास से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इजराइल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वैसे इजराइल पर पहले भी गाजा में कुछ पत्रकारों और उनके परिवारों को मारने का आरोप लग चुका है। इन पत्रकारों में कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा के एक पत्रकार भी शामिल थे और इस बार इजराइल पर एक पत्रकार और उसके परिवार के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा। लेकिन इन सारे आरोपों से बेपरवाह इजराइल की सेना ने गाजा में यहिया सिनवार की तलाश जारी रखी और उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारती रही। अपने इस ऑपरेशन के इजराइल ने लगातार वीडियो भी जारी किए। एक वीडियो में तो हमास के 3 लड़ाके बचकर भागते दिखाई दिए, लेकिन इजराइल की सेना ने उन्हें पहचान लिया और उस इलाके में बमबारी कर दी। वहां 3 लड़ाके मौजूद थे। हमास के लड़ाकों को टारगेट करने के एक और वीडियो में यही होता दिखा। रात के अंधेरे में शूट किए गए इस वीडियो में 3 लोगों को टारगेट किया गया और पलक झपकते ही एक जोरदार धमाका हुआ। और ये वीडियो जारी करते हुए इजराइल ने दावा किया कि उसने इसी तरीके से हमास के कई लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया और केवल 24 घंटे में हमास के 450 ठिकानों को उड़ा डाला। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने ये सारी तबाही खान यूनिस में की और जमीन, आसमान और हवा से हमले किए, क्योंकि इजराइल साफ कर चुका है कि वो यहिया सिनवार को पकड़ने से पहले नहीं रुकने वाला। यही नहीं, उसने इजराइल में कुरान की आयतें लिखे पर्चे भी गिराए गाजा में और इन पर्चों में लिखा कि गलत करने वालों को सजा मिलेगी। ये दावा इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट में किया गया और इससे दक्षिणी गाजा में माहौल बद से बदतर होने के संकेत मिलने लगे, क्योंकि इजराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया कि गाजा के अलग अलग हिस्सों में कुरान की आयतें लिखे पर्चे गिराए गए और इन पर्चों पर लिखा गया कि जो गलत काम करेगा उसे सजा मिलेगी। माना जा रहा है कि इन पर्चों के जरिए इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी और उनसे 2 बोल दिया कि हमास का साथ देने वाले का हश्र बहुत बुरा होने वाला है। गाजा में लोगों की परेड की जो तस्वीरें आईं, उनका कनेक्शन इजराइल की इसी चेतावनी से जोड़ा गया, क्योंकि इजराइल का कहना है कि यहिया सिनवार और मोहम्मद दईफ जैसे कमांडरों को बचाने के लिए हमास फिलिस्तीन के आम लोगों को ढाल बना रहा है और इस चक्कर में हमास ने ऐसी गलती कर दी जिससे भड़के इजराइल ने गाजा में सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिया, क्योंकि इजराइल की सेना ने आरोप लगाया कि हमास उन इलाकों में भी रॉकेट छोड़ रहा है जिन्हें लोगों की मदद के लिए छोड़ा गया है। हमास ने इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए उन इलाकों को भी निशाना बनाया, या यूं कहें कि हमास ने उन इलाकों को भी नहीं बख्शा जहां ह्यूमन कॉरिडोर बना है और इसी बात ने इजराइल का पारा चढ़ा दिया।
क्योंकि इजराइल का कहना है कि इस बार हमास ने ऐसी गलती कर दी है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हमास ने मानवीय सहायता वाले इलाकों पर हमले किए तो फिर तो गाजा के किसी हिस्से में आम लोगों के लिए सिर छिपाने की जगह ही नहीं बचेगी। इजराइल ने हमास पर लगाए गए आरोप के सबूत भी दिए और दावा किया कि हमास ने मानवीय सहायता वाले इलाकों में 14 रॉकेट दागे और इनमें कई ऐसी जगह गिरे जहां शरणार्थी कैंप लगे हैं। और अब इजराइल भी इन इलाकों को निशाना बना सकता है। हालांकि इजराइल की सेना ने अपना प्लान नहीं बताया, लेकिन उसने ये बयान जरूर जारी किया कि वो गाजा के लोगों को लगातार अपडेट कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि गाजा के लोगों का कम से कम नुकसान हो। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इजराइल अब पूरे गाजा में जंग लड़ेगा, वो भी पूरी ताकत से, क्योंकि इजराइल का कहना है कि हमास ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उसने मानवीय सहायता वाले इलाकों में रॉकेट दाग दिए और अब इजराइल भी उन इलाकों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से अपील की कि वो स्कूल और अस्पतालों को बख्श दे, लेकिन इजराइल का कहना है कि जब हमास ने स्कूलों और अस्पतालों को नहीं बख्शा तो वो उन्हें कैसे छोड़ सकता है। यानी जंग कोई भी जीते, ये तो पक्का है कि फिलिस्तीन की आम जनता इस जंग में पिसती रहेगी क्योंकि इजराइल साफ कर चुका है कि वो हमास के कमांडरों को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा, फिर चाहे इसमें कई दिन, महीने या फिर साल ही क्यों न लग जाए। उधर इजराइल से घबराए हमास के नेताओं ने बयान देना ही बंद कर दिया। हमास को डर है कि इजराइल की सेना उनके नेताओं के ठिकानों का पता लगा सकती है और इसीलिए हमास ने अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैद और अल कुज ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू हमजा के बयानों पर रोक लगा दी। हमास को जानकारी मिली कि इजराइल ऐसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है जिनके जरिए वो हमास के नेताओं की आवाज सुनकर उनके ठिकाने और उनकी पहचान का पता लगा सकता है और इसीलिए हमास ने अगले आदेश तक उन नेताओं को बयान देने से मना कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमास के ये दोनों नेता अलग अलग जगहों से बयान जारी करते थे और उसके कुछ ही देर बाद इजराइल उस जगह पर अपनी मिसाइलें दाग देता था और इसीलिए हमास को डर सता रहा है कि इजराइल इन उपकरणों का इस्तेमाल कर उसके नेताओं का पता लगाकर उनका खात्मा कर सकता है और इसके लिए इजराइल को अमेरिका और ब्रिटेन का साथ भी मिल जाएगा क्योंकि गाजा से हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा और इसी डर से हमास गाजा में फूंक फूंक कर कदम रख रहा क्योंकि वो जानता है कि इजराइल उसके हर कदम पर नजर रख रहा है और इसीलिए हमास को जैसे ही इजराइल के इन आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल करने की जानकारी मिली उसने अपने दो नेताओं के बयानों पर रोक लगा दी और उस वजह से अबू उबैद और अबू हमजा की तरफ से काफी दिन तक कोई बयान सामने नहीं आया। यहां तक कि हमास के लड़ाकों के बीच ये अफवाह फैलने लगी कि इजराइल के हमले में वो दोनों नेता मारे गए, लेकिन जब हमास को इस अफवाह के बारे में पता लगा तो उसने अपने लड़ाकों से बात की और उन दोनों नेताओं की सलामती के बारे में बताया और ये भी जानकारी दी कि हमास के बड़े नेताओं की तरफ से मिले आदेश की वजह से अबू उबैद और अबू हमजा ने कोई बयान जारी नहीं किया और हमास ने अपने उन दोनों नेताओं को गाजा से दूर किसी ऐसी जगह छिपा दिया जहां इजराइल की सेना का वो आधुनिक उपकरण काम न कर सके क्योंकि हमास को डर है कि इजराइल का वो खास उपकरण न सिर्फ उन नेताओं के ठिकानों का पता लगा लेगा बल्कि उनकी असली पहचान भी सबके सामने आ जाएगी और हमास ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता क्योंकि इजराइल को शक है कि हमास ने अपने कई नेताओं की पहचान दुनिया से छिपाकर रखी और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि हमास ने अबू उबैद और अबू हमजा को गाजा के बॉर्डर वाले किसी इलाके में भेज दिया ताकि वो इजराइल की सेना की पकड़ से दूर हो जाएं और हमास को इजराइल के उस खास उपकरण का तोड़ निकालने का वक्त मिल जाए क्योंकि अगर इजराइल हमास के नेताओं के ठिकानों पर लगातार हमले करता रहा तो हमास के लिए इस जंग में डटे रहना मुश्किल हो जाएगा। उधर बड़ी खबर आई इसराइल और हिजबुल्ला की जंग से जुड़ी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने लेबनान की राजधानी बेरूत को गाजा की तरह तबाह करने की फिर धमकी दे दी। नेतन्याहू ने लेबनान को आगाह किया कि अगर हिजबुल्ला ने इसराइल की उत्तरी सीमा पर हमले बंद नहीं किए तो बेरूत को खंडर बना दिया जाएगा। नेतन्याहू की ये धमकी तब सामने आई जब हिजबुल्ला के हमले में इसराइल के एक 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई और इसी बात पर नेतन्याहू बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने हमास के साथ जंग शुरू होने के 2 महीने पूरे होते ही लेबनान के साथ भी जंग छेड़ने के संकेत दे दिए और साफ कह दिया कि हिजबुल्ला नहीं माना तो बेरूत खंडहर में बदल जाएगा। लेबनान की राजधानी पर भी ठीक वैसे ही हमले होंगे जैसे पिछले 2 महीनों से गाजा पर हो रहे हैं, यानी बेरूत को भी बमों से पाट दिया जाएगा, वहां की इमारतों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा।
नेतन्याहू ने ये चेतावनी ऐसे वक्त में दी जब हमास की जगह हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमले बढ़ा दिए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब इसराइल की उत्तरी सीमा पर बमों के धमाके नहीं होते। 7 अक्टूबर के बाद से ही इसराइल की लेबनान से लगी सीमा हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों की मार झेल रही है। यहाँ तक कि इसराइल को मजबूर होकर अपनी सीमा के 5 किलोमीटर अंदर तक के कई इलाकों को खाली करवाना पड़ा। लेकिन हिजबुल्ला ने सिर्फ रॉकेट ही नहीं बल्कि लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया और इसकी वजह से इसराइल की सीमा के काफी अंदर के इलाके भी हमले की चपेट में आ गए। और ऐसे ही एक हमले में एक रोज पहले इसराइल के एक 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। माना जा रहा है इस एक मौत ने ही नेतन्याहू को इतना गुस्सा दिला दिया कि वो लेबनान से जंग छेड़ने तक के लिए तैयार हो गए। क्योंकि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में इसराइल पहले ही 1400 से ज्यादा लोगों की मौत देख चुका है। उस हमले के बाद नेतन्याहू अपने ही लोगों के सामने एक गुनहगार की तरह खड़े दिखाई दिए। यही वजह रही कि अब इसराइल हिजबुल्ला के हमलों का दर्द देखने के लिए तैयार नहीं दिख रहा और इसी वजह से नेतन्याहू ने ताल ठोक दी कि हिजबुल्ला को नहीं रोका गया तो बेरूत की तबाही निश्चित है। लेबनान इसराइल की उत्तरी सीमा की तरफ पड़ता है और इसराइल की सीमा से उसकी राजधानी करीब 500 किलोमीटर दूर है, यानी वो इसराइल की लंबी दूरी की मिसाइलों की जद में है। क्योंकि इसराइल के पास क्रूज मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलें भी बड़ी संख्या में हैं। मतलब ये कि नेतन्याहू की धमकी को अगर लेबनान ने हल्के में लिया तो ये उसे भारी पड़ सकता है और उसकी राजधानी बेरूत का हाल भी गाजा जैसा हो सकता है। इसराइल की इस धमकी के बाद माना जा रहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है और अगर ये जंग हुई तो लेबनान को साल 2006 में हुई जंग से ज्यादा चोट पहुंच सकती है। क्योंकि 2006 में हुई लेबनान से जंग के बाद इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर घातक हथियारों का जखीरा जमा कर लिया। उसके पास अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 समेत आयरन डोम जैसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम भी हैं। यानी लेबनान से जंग छिड़ी तो इसराइल का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। 2006 में भी इसराइल ने लेबनान को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। जुलाई 2006 में ये जंग तब शुरू हुई थी जब हिजबुल्ला ने इसराइल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया था। उसके बाद इसराइल ने 34 दिन तक लेबनान से जंग लड़ी थी और उसमें लेबनान के 1100 से ज्यादा नागरिकों की मौत होने का दावा किया गया था। हालांकि तब ये साफ नहीं हुआ था कि इसराइल और लेबनान में किसे जीत मिली, लेकिन इतना तो तय हो गया था कि इसराइल लेबनान पर भारी पड़ा था। और नेतन्याहू की बेरूत को मिटा देने की हुंकार की भी यही वजह बताई जा रही है। हालांकि हमास की जंग के बीच हिजबुल्ला के साथ जंग का एक और मोर्चा खोलना इसराइल के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि 18 साल में हिजबुल्ला की ताकत में भी भारी इजाफा हुआ है। न केवल हिजबुल्ला के लड़ाकों की संख्या बढ़ी बल्कि उसके पास मिसाइलों और ड्रोन का काफी बड़ा जखीरा भी है। कहा जाता है कि हिजबुल्ला के पास 10-20 हजार नहीं बल्कि कुल 60 हजार लड़ाकों की फौज है। इसके साथ ही उसके पास 1 लाख मिसाइलें होने का भी दावा किया जाता है और इसके अलावा डिफेंस सिस्टम और ड्रोन ने उसे बेहद खतरनाक चरमपंथी संगठन बना दिया है। और इसकी झलक हिजबुल्ला 7 अक्टूबर के बाद से ही इसराइल को दिखा भी रहा है। रॉकेट मिसाइल और ड्रोन हमलों से इसराइल की उत्तरी सीमा थर्रा रही है। माना जा रहा है कि हिजबुल्ला की इसी ताकत ने अब तक इसराइल के हाथ बांध रखे हैं, लेकिन अपने नागरिकों के मारे जाने के बाद बढ़ते हुए दबाव की वजह से नेतन्याहू बेरूत को बर्बाद करने की धमकी देने से नहीं चूक रहे। उधर बड़ी खबर आई जापान से, जहां लाखों टन मरी हुई मछलियां लहरों के साथ समंदर के किनारे आ गईं, जिसके बाद दुनिया भर में जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए पानी को लेकर चर्चा शुरू हो गई। क्योंकि उत्तरी जापान में समंदर के किनारे मरी हुई मछलियों का अंबार लग गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मानो मरी हुई मछलियों का सैलाब आ गया। इसके बाद जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए लाखों टन पानी पर सवाल उठने लगे। चीन, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और फिलीपींस ने न्यूक्लियर प्लांट से समंदर में पानी छोड़ने के जापान के कदम को समुद्री जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया था और आरोप लगाया था कि जापान समंदर में रेडियो एक्टिव पानी छोड़कर समंदर के एक बड़े हिस्से को जहरीला बना रहा है। इतना ही नहीं, खुद जापान में मछुआरों के अलग अलग संगठनों ने सरकार के फैसले का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि समंदर में न्यूक्लियर प्लांट का पानी छोड़े जाने से मछलियों को नुकसान हो सकता है। और उत्तरी जापान में समंदर किनारे मरी हुई मछलियों का वीडियो सामने आने के बाद आशंका जताई जा रही है कि लाखों टन मछलियों की मौत जहरीले पानी की वजह से ही हुई।
यानी चीन, दक्षिण कोरिया और हांगकांग जैसे देशों को जिस बात का डर था, कुछ वैसी ही तस्वीरें उत्तरी जापान में समंदर किनारे से सामने आई। वीडियो में समंदर किनारे लाखों टन मरी हुई मछलियां दिखाई दी। लहरों की वजह से समंदर के किनारे मरी हुई मछलियों का अंबार लग गया। समंदर की लहरें जैसे जैसे किनारे की तरफ बढ़ रही थी, वहाँ मछलियों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। लाखों टन मरी हुई मछलियों का वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर में जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए पानी पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई। आशंका जताई जाने लगी कि जहरीले पानी की वजह से ही इन मछलियों की मौत हुई है। जापान के अखबार द जापान न्यूज के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो उत्तरी जापान के हाकोदाते शहर के समुद्री किनारे का है। द जापान न्यूज के मुताबिक दो दिन पहले एक स्थानीय मछुआरे ने समंदर किनारे इन मरी हुई मछलियों को देखा था और इसके बाद उसने तुरंत स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दे दी। हालांकि जापान से आए इस वीडियो की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, फिलीपींस, हांगकांग, ये सब देश लंबे वक्त से समंदर में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। जापान में मरी हुई मछलियों के मिलने के बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि जापान में जहरीले पानी की वजह से मछलियों की मौत हुई है। यानी कहा यह जा रहा है कि समंदर में न्यूक्लियर प्लांट का पानी छोड़ने का जापान का फैसला उस पर ही भारी पड़ गया। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक उत्तरी जापान के जिस हाकोदाते शहर में मरी हुई मछलियां मिली हैं, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से उसकी दूरी करीब 600 किलोमीटर। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई गई कि न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए रेडियो एक्टिव पानी की वजह से ही इन मछलियों की मौत हुई होगी, क्योंकि बीते 4 महीनों से जापान लगातार न्यूक्लियर प्लांट से समंदर में पानी छोड़ रहा है और जापान के इस कदम का चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, हांगकांग, फिलीपींस और ताइवान ने जोरदार विरोध किया, क्योंकि ये सभी देश जापान के करीब हैं और इनकी समुद्री सीमाएं भी जापान के समंदर से लगती हैं। और यही वजह रहेगी, ये सभी देश जापान के फैसले से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। चीन और दक्षिण कोरिया की सरकार ने आरोप लगाया कि रेडियो एक्टिव पानी की वजह से मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों को भारी नुकसान हो रहा है और उन्हें खाने से इंसानों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। हालांकि जापान ने बार बार ये दावा किया कि फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए पानी से सी फूड पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। जुलाई महीने में संयुक्त राष्ट्र से इजाजत मिलने के बाद जापान ने अपने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़ना शुरू किया था। जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट समंदर के किनारे मौजूद है और खबरों के मुताबिक वहां से पानी निकालने के लिए जापान की सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया जो वहां इकट्ठा लाखों लीटर पानी को धीरे धीरे करके समंदर में छोड़ेगी और इसके लिए न्यूक्लियर प्लांट से समंदर में कुछ दूरी तक पानी के अंदर बड़े बड़े पाइप लगाए गए। शक्तिशाली पंपों के जरिए प्लांट के अंदर से पानी को उन पाइपों में छोड़ा जाता है, जिससे वो पानी जापान के समुद्री किनारों से दूर जाकर समंदर के पानी में मिल जाता है। और समंदर में जिस जगह पाइपों से पानी निकलता है, वहां के 3 किलोमीटर के इलाके में मछुआरों के जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी जापान न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए पानी को लेकर सावधानी बरत रहा है, लेकिन इसके साथ ये भी दावा कर रहा है कि प्लांट के पानी से समंदर में किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन उत्तरी जापान में समंदर किनारे मरी हुई मछलियों के मिलने के बाद चीन को जापान पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया, क्योंकि समंदर को जहरीला बनाने का आरोप लगाकर चीन ने जापान से आने वाले सी फूड पर बैन लगा दिया था। मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि जापान में सी फूड का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। हर साल लाखों टन सी फूड जापान से चीन भेजा जाता है। पिछले साल जापान से चीन को करीब 50 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 4000 करोड़ रुपए का सी फूड सप्लाई किया गया था। और यही वजह रही कि नाराज चीन ने जापान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए सी फूड के आयात पर रोक लगा दी थी। हालांकि चीन पर दुनिया को भड़काने का आरोप लगाकर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सी फूड का लुत्फ उठाया था और ये संदेश देने की कोशिश की थी कि फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए पानी का सी फूड पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि चीन समेत जापान के कई पड़ोसी देश बार बार ये दावा करते रहे कि जापान के रेडियो एक्टिव पानी की वजह से समंदर का एक बड़ा हिस्सा जहरीला हो चुका है। और महज चीन, दक्षिण कोरिया या फिर हांगकांग जैसे पड़ोसी देश ही नहीं, बल्कि जापान सरकार के फैसले का विरोध जापान के लोगों ने भी किया। जापान में मछुआरों के अलग अलग संगठनों ने तो जापान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और सड़क पर उतरकर सरकार से न्यूक्लियर प्लांट से पानी न छोड़ने की अपील की थी। जापान के अलग अलग शहरों में लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए थे। जापान में मछुआरों के संगठनों का आरोप था
कि सरकार के फैसले का सबसे बुरा असर उन पर पड़ रहा है, क्योंकि चीन के अलावा हांगकांग ने भी जापान से आने वाले सी फूड पर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से जापान के मछुआरों की कमाई में गिरावट आ गई और काम धंधा पूरी तरह मंदा हो गया। दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई संगठनों ने भी जापान सरकार के इस फैसले को तबाही लाने वाला बताया था, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना जापान लगातार प्रशांत महासागर में न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़ रहा है। और समंदर में पानी छोड़ने की जापान की प्रक्रिया एक या दो साल में पूरी नहीं होने वाली। खबरों के मुताबिक जापान को इस काम में करीब 30 साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 133 करोड़ लीटर पानी लोहे के 1046 बड़े बड़े टैंकों में जमा है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फुकुशिमा प्लांट में रखे गए पानी से करीब 500 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल को भरा जा सकता है। यानी जापान अगर लगातार समंदर में पानी छोड़ेगा तब भी उसे इस काम को पूरा करने में कई साल लग सकते हैं। जापान की मीडिया के मुताबिक न्यूक्लियर प्लांट के पानी को प्रशांत महासागर में जापान के समुद्री किनारे से करीब 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ छोड़ा जा रहा है। जापान की सरकार का दावा है कि समंदर में छोड़े जाने से पहले पानी को पूरी तरह साफ किया जा रहा है। 12 साल पहले 2011 में आए भूकंप और सुनामी की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में भयानक विस्फोट हो गया था। भूकंप के झटके लगते ही समुद्र किनारे बने न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर बंद हो गए थे। कुछ देर बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयानक विस्फोट होने लगे और उन विस्फोट को दबाने के लिए और रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए 133 करोड़ लीटर पानी का इस्तेमाल किया गया था। बड़ी खबर आई उधर ईरान के राष्ट्रपति के रूस दौरे से जुड़ी हुई। इसराइल और हमास की जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रूस के दौरे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब यूक्रेन जंग और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी हुई दिख रही है। इसमें एक तरफ अमेरिका, इसराइल और यूरोप के देश शामिल हैं तो दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान समेत कई मुस्लिम देश। इसी वजह से ईरान के राष्ट्रपति रईसी और पुतिन की मुलाकात को अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसे अमेरिका के खिलाफ होने वाली एक बड़ी गोलबंदी की तरह भी देखा जा रहा है। और माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के खिलाफ बन रहे धड़े की अगुवाई करने की पूरी रणनीति बना चुके हैं, इसीलिए उन्होंने एक दिन पहले यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया। और इसके अगले ही दिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पुतिन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। माना जा रहा है कि जिस अंदाज में पुतिन इब्राहिम रईसी से मिले वो ये साबित करने के लिए काफी है कि रूस और ईरान के बीच किस हद तक नजदीकियां बढ़ चुकी हैं। दोनों नेताओं ने काफी देर तक कई मुद्दों पर बातचीत की और खबर है कि इस दौरान इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग पर भी चर्चा की गई। और इस बैठक के बाद पुतिन खुद इब्राहिम रईसी को छोड़ने उनकी गाड़ी तक गए। यानी रूस ने ईरान से अपने रिश्ते और मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माना जा रहा है कि दोनों देशों की ये जुगलबंदी पश्चिम एशिया में अमेरिका के लिए बड़े खतरे की घंटी साबित हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जंग के मुद्दे पर जिस तरह दुनिया दो धड़ों में बटती दिख रही है उसमें अमेरिका और उसके दोस्तों के खिलाफ रूस और ईरान बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन पुतिन ये भी जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के बीच की दुश्मनी उनकी रणनीति पर भारी पड़ सकती है। माना जा रहा है कि इसीलिए पुतिन ने सऊदी अरब के प्रिंस और ईरान के राष्ट्रपति से अलग अलग मुलाकात की। और इब्राहिम रईसी से मुलाकात करने से पहले ही वो पश्चिम एशिया की यात्रा पर गए। एक दिन पहले उन्होंने यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया। वो अपने खास विमान के जरिए इन दोनों देशों में गए। उनके विमान के साथ ही 4 सुखोई लड़ाकू विमान भी थे जिनकी खूब चर्चा हुई, क्योंकि पुतिन ने लड़ाकू विमानों के साथ पहली बार किसी देश का दौरा किया। माना जा रहा है कि पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ जिस धड़े को मजबूत करने की रणनीति बनाई है उसमें ईरान और सऊदी अरब को साथ लाने का भी प्लान है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से दुश्मनी है। और ईरान जहां शिया बहुल देश है तो सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। इन दोनों देशों में पिछले महीने भी एक राय नहीं बन पाई थी जब तमाम मुस्लिम देश इसराइल और हमास की जंग के मुद्दे पर एक मंच पर जुटे थे। ईरान और सऊदी अरब के बीच शिया और सुन्नी का मसला तो है ही, साथ ही इन दोनों देशों के बीच मुस्लिम देशों का लीडर बनने की भी होड़ है। कहा जा रहा है कि इन्हीं मतभेदों को देखते हुए पुतिन ने पहले सऊदी अरब के प्रिंस से मुलाकात की और फिर अगले दिन वो ईरान के राष्ट्रपति से मिले। और कहा जा रहा है कि उनकी पूरी कोशिश अमेरिका की घेरेबंदी की है। हालांकि पूरी दुनिया जिन दो धड़ों में बढ़ती दिख रही है उसकी शुरुआत यूक्रेन जंग से ही हो गई थी।
इसके बाद इसराइल और हमास की जंग ने बंटवारे की इस लकीर को पहले से ज्यादा गहरा कर दिया, क्योंकि जैसे ही अमेरिका के दोस्त इसराइल ने हमास पर हमले शुरू किए, वैसे ही अमेरिका के दुश्मन एक साथ जुटने लगे। रूस ने गाजा में इसराइल के हमले की आलोचना शुरू कर दी, जिसके बाद चीन ने भी फिलिस्तीन का साथ देना शुरू कर दिया, और इसी वजह से पश्चिम एशिया में इसराइल और अमेरिका के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। इससे पूरी दुनिया दो धड़ों में बंटती दिखने लगी, जिसमें एक तरफ रूस, चीन और ईरान समेत कई मुस्लिम देश खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, इसराइल, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और यूरोप के देशों ने मोर्चा संभाल रखा है। और माना जा रहा है कि इसीलिए रूस ने ईरान का पूरा साथ देने की तैयारी की है, ताकि पश्चिम एशिया से अमेरिका को बाहर किया जा सके। पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। इसराइल और हमास की जंग के बहाने उसने वहां अपने जंगी जहाजों की तादाद भी बढ़ा दी है। यही नहीं, अमेरिका ने उस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या में भी इजाफा किया है। और इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की तैयारी रूस से बड़ी संख्या में खतरनाक हथियार खरीदने की है। इसके साथ ही उसने चेतावनी दी कि ईरान के हाथ अगर रूसी हथियार लग गए तो पश्चिम एशिया के हालात और बिगड़ सकते हैं। और अमेरिका का दावा है कि इसी मकसद से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने रूस का दौरा किया। अमेरिकी सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक पुतिन और इब्राहिम रईसी की मुलाकात के दौरान खतरनाक हथियारों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, और ईरान ने रूस से घातक हथियारों का जखीरा खरीदने की पेशकश की। और जॉन किर्बी ने आशंका जताई कि अगर ईरान के हाथ रूस के खतरनाक हथियार लग गए तो पश्चिम एशिया के हालात और खराब हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि तब ईरान अपने हथियारों के दम पर उस इलाके में अपना दबदबा बढ़ाने से बाज नहीं आएगा, और इससे जंग का नया मोर्चा बन सकता है। हाल ही में ये खबर भी सामने आई थी कि ईरान रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट, Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर और Yak-130 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दलित समुदाय की बारात निकाले जाने के दौरान जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि जब वो बारात एक इलाके से निकल रही थी तो गांव के ही कुछ दबंगों ने उसे रोक दिया, और बारात के निकलने के रास्ते के बीच ही एक कार खड़ी कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कार बारात के गुजरने के रास्ते में खड़ी दिखाई दी। इसके बाद कार से उतरे कुछ लोग बारातियों से उलझते भी नजर आए। इतना ही नहीं, दलित समुदाय के उस परिवार के मुताबिक बारात को नहीं गुजरने देने वाले दबंगों ने पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। मेरे कान पर बोले मैं तुझे अभी खत्म करूं या बाद में। ये घटना बुलंदशहर के परौली गांव की बताई गई। दलित समुदाय की बारात को रोके जाने के बाद से ही गांव में तनाव बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर ग्राम प्रधान के पति समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go with JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 नए इंडिया का नया नंबर वन न्यूज चैनल। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. बड़ी खबर आई, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर धीरज साहू पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिलने का ट्वीट किया और कांग्रेस को घेरा। उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाया कि जनता से लूटी गई पाई पाई जनता को लौटाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट शेयर की, जिसके मुताबिक आयकर विभाग की छापेमारी में धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने का दावा किया गया। और इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों पर 3 राज्यों ओडिशा, झारखंड और कोलकाता में कई ठिकानों पर पिछले 3 दिनों से छापेमारी की जा रही है।
और उन्हीं में एक ठिकाने की तस्वीरें सामने आने का दावा किया गया। ओडिशा के संबलपुर से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। वहां एक साथ इतने सारे नोटों के बंडल रखे दिखाई दिए मानो वो किसी बड़े बैंक का लॉकर हो। वहां कमरे में एक नहीं कई बड़ी बड़ी अलमारियां रखी थी। उन अलमारियों के हर खाने में नोटों के बंडलों को एक दूसरे के ऊपर बड़े करीने से सजा कर रखा गया था। इतने नोट जिन्हें एक साथ सामने से देखना तो दूर, एक आम आदमी सपने में भी नोटों के इतने बड़े बंडल शायद ही देख पाता होगा। नोटों के बंडलों से लोहे की अलमारियां तो भरी थी, कमरे में बने लकड़ी के रैक पर भी सैकड़ों गड्डियां रखी दिखाई दी। यानी पूरा का पूरा कमरा ही नोटों से भरा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक कमरे में मौजूद लोहे की 9 अलमारियों में करोड़ों रुपया कैश रखा, जिसकी गिनती के लिए आयकर विभाग की टीम को कई मशीनें तक मंगानी पड़ गई। क्योंकि वहां हजार, लाख या करोड़ नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा रकम जमा करके रखी गई थी। इनमें 500-500 के नोटों की गड्डियां तो थी, 100 और 200 के भी सैकड़ों बंडल वहां रखे नजर आए। इतना ही नहीं, अलमारियों में दिख रही रकम के अलावा वहां कई बैग भी दिखाई दिए। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने ही कई अलमारियों से निकालकर नोटों की गड्डियों को बैगों में भर दिया। सूत्रों के मुताबिक इन नोटों को गिनने के लिए कई मशीनें लगानी पड़ी। खबरें तो ये भी हैं कि इतने सारे नोट गिनते गिनते 2 मशीनें बंद तक हो गईं। सूत्र बताते हैं कि कैश का ये भंडार धीरज साहू के करीबी के ठिकाने से ही मिला। हालांकि आयकर विभाग ने इस मामले में किसी का नाम नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग एक बार नोटों की गिनती पूरी हो जाने के बाद ही इस मामले में और जानकारी साझा करेगा। लेकिन आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये बेहिसाब नकदी कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के अलग अलग ठिकानों से बरामद हुई। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के निशाने पर ओडिशा के साथ साथ उनके झारखंड और पश्चिम बंगाल के ठिकाने भी हैं। और आयकर अधिकारी वहां भी धीरज साहू के ठिकानों की तलाशी लेने में जुटे हैं। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई, जिनमें 4 ओडिशा के बौद्ध, बलंगीर, रायगढ़ और संबलपुर जिलों में मौजूद हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कोलकाता और झारखंड के रांची में भी धीरज साहू के ठिकानों को खंगाला गया। यही नहीं, आयकर अधिकारियों ने झारखंड के लोहरदगा में मौजूद उनके घर की भी तलाशी ली। और सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीमों ने इन ठिकानों से बड़े पैमाने पर नकदी तो जब्त की ही, इसके साथ ही इनकम टैक्स चोरी से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद करने का दावा किया गया। और इस मामले में छापेमारी का वीडियो वायरल होने के बाद इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। झारखंड के लोहरदगा के रहने वाले धीरज साहू सांसद होने के साथ साथ एक बड़े शराब कारोबारी भी हैं। और उनके इस कारोबार में उनका परिवार भी शामिल है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू की शराब कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज ओडिशा की सबसे बड़ी शराब बनाने और बेचने वाली कंपनियों में एक है। और इसी कंपनी की साझेदार है बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, जिसके निदेशक धीरज साहू के भाई संजय साहू हैं। बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड पर इनकम टैक्स चोरी का आरोप है। और सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने इसी मामले में धीरज साहू और उनके करीबियों के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। धीरज साहू का कांग्रेस से पुराना नाता है। 1977 में छात्र नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखने वाले धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे। उधर बड़ी खबर आई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर। संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई और कमेटी की सिफारिश से जुड़े प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर लिया गया। यानी पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली गई। हालांकि महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए। महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए थे, जिसके बाद एथिक्स कमेटी को मामले की जांच सौंपी गई थी। आरोपों के मुताबिक दर्शन हीरानंदानी नाम के कारोबारी के कहने पर ही महुआ मोइत्रा ने संसद में कई सवाल पूछे और संसद की एथिक्स कमेटी ने उन पर लगे आरोपों को सही माना। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इसे सरकार की बदले की कार्रवाई बताया। महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई के बाद पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दिया। और लोकसभा से निकलने के बाद संसद में लगी गांधी जी की प्रतिमा तक पहुंच गया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी महुआ मोइत्रा के बिल्कुल साथ चलती हुई दिखाई दी। पूरा विपक्ष महुआ मोइत्रा को संसद से निकाले जाने के फैसले के विरोध में एकजुट दिखा। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने से जुड़ा प्रस्ताव लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। हालांकि ये चर्चा सुबह से ही थी कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जा सकती। लेकिन जब सुबह महुआ मोइत्रा संसद पहुंची तो उनके चेहरे पर कोई चिंता की लकीर नहीं दिखी।
उनके चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास दिखा। जब नाश मन उस पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले एक कारोबारी से पैसे लेने के आरोप। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दारोगा की लापरवाही से थाने में अचानक चली गोली एक महिला को लग गई और इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। उस डरा देने वाली घटना का एक वीडियो भी सामने आया और वीडियो में दिखा कि सिर में गोली लगते ही वो महिला जमीन पर गिर गई। बेहद डरा देने वाली घटना के सीसीटीवी वीडियो में थाने के अंदर कुछ लोग खड़े नजर आए। थाने के अंदर खड़े चार लोगों में एक दारोगा दिखा और टेबल के दूसरी तरफ एक महिला और एक आदमी भी नजर आए। वीडियो में कुछ देर तक सब कुछ सामान्य दिखा और जैसे ही दरोगा दूसरे पुलिस वाले से पिस्तौल लेकर उसे लोड करने लगा अचानक गोली चल गई और पिस्तौल से निकली एक गोली टेबल के दूसरी तरफ खड़ी महिला के सिर में जा लगी। गोली लगते ही वो महिला जमीन पर गिर गई। इसके बाद महिला के पास खड़े आदमी ने उसे उठाया और फिर वो दरोगा भी महिला की तरफ दौड़ते नजर आए। अचानक गोली चलने से थाने में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई। बताया गया कि वो महिला थाने में पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराने के लिए गई थी। वहीं लापरवाही बरतने के आरोप में दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया। उधर बड़ी खबर आई चीन के पूर्व विदेश मंत्री की मौत की खबर से जुड़ी। अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि पिछले 6 महीने से लापता चीन के पूर्व विदेश मंत्री चिनगांग की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया कि उनकी मौत की वजह टॉर्चर भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री को इतनी यातनाएं दी गईं कि उनकी जान चली गई। उन्हें इसी साल जुलाई में विदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया था। चिनगांग पर जासूसी का बड़ा आरोप लगाया गया था और उसके बाद से वो वहीं कहीं नजर नहीं आए। जुलाई के बाद से ही चीन के विदेश मंत्री रहे चिनगांग को किसी ने नहीं देखा। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि जुलाई में ही उनकी मौत हो गई थी और कहा जा रहा है कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री चिनगांग को भयंकर यातनाएं दी गई थी। उन्हें इतना टॉर्चर किया गया था कि उनके सहने की शक्ति खत्म हो गई थी और इसी वजह से या तो उन्होंने खुदकुशी कर ली या उनकी मौत हो गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जुलाई महीने में ही चीन में सेना के एक अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। ये वही महीना था जब उन पर जासूसी के आरोप लगे थे और उन्हें चीन के विदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया था। इसके बाद से ही चिनगांग कहीं नजर नहीं आए थे और इसके बाद उनके लापता होने की खबर सामने आई थी। लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि करीब 6 महीने पहले ही वो दुनिया छोड़ चुके थे। खबरों के मुताबिक उन पर अमेरिका को चीन के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी अहम जानकारियां देने का गंभीर आरोप लगाया गया था। कहा गया था कि वो अमेरिका के लिए जासूसी करते थे और खबर है कि चीन में इस मामले की जांच अब तक चल रही है। इस मामले में चीन के पूर्व विदेश मंत्री के अलावा पूर्व रक्षा मंत्री और चीन की सेना के कमांडर का नाम भी सामने आया था। और जिस वक्त चीन के विदेश मंत्री लापता हो गए थे उसी दौरान चीन की सेना के कई अधिकारियों का नाम भी जासूसी मामले में सामने आया था। खबरों के मुताबिक उनमें भी कुछ लापता हो गए थे जबकि कई अधिकारियों को सेना से हटा दिया गया था। हालांकि चीन की शी जिनपिंग सरकार ने जब चिनगांग को उनके पद से हटाया था तब कोई वजह नहीं बताई गई थी, लेकिन उस वक्त ये खबर सामने आई थी कि चिनगांग जब चीन के राजदूत के तौर पर अमेरिका में तैनात थे तब उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और उस दूसरी शादी से उन्हें एक बेटा हुआ जो इस वक्त अमेरिका में ही है। जुलाई महीने में जब उन्हें विदेश मंत्री के पद से हटाया गया था तब अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया था कि दूसरी शादी की वजह से ही उन पर एक्शन लिया गया। हालांकि बाद में अमेरिका के लिए जासूसी करने की बात सामने आई और उसमें चिनगांग का नाम लिया जाने लगा और कहा जा रहा है कि जासूसी के अलावा चिनगांग की लोकप्रियता भी उनके लिए घातक साबित हुई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक विदेश मंत्री रहने के दौरान चिनगांग ने अमेरिका और चीन के रिश्ते में जमी बर्फ को पिघलाने की पूरी कोशिश की थी और इसी वजह से चीन के साथ साथ अमेरिका में भी चिनगांग की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। ये उनकी काबिलियत का ही नतीजा था कि अमेरिका में चीन का राजदूत बनाए जाने के करीब 1.5 साल बाद ही उन्हें विदेश मंत्री बना दिया गया था। चिनगांग ने इसी साल जनवरी में ये पद संभाला था और जुलाई तक वो चीन के विदेश मंत्री रहे, लेकिन माना जाता है कि 6 महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने अमेरिका समेत कई देशों में अपना प्रभाव छोड़ा था। खबर है कि इसी वजह से उनकी तुलना राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होने लगी थी। कहा जा रहा है कि चिनगांग को उनके पद से हटाने की एक वजह ये भी थी। हालांकि चीन में ताकतवर लोगों के लापता होने के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री लापता नहीं है बल्कि उनकी मौत हो चुकी है। उधर बड़ी खबर आई फिलीपींस और चीन के बीच बड़े तनाव से जुड़ी। मलेशिया के मीडिया ने दावा किया कि फिलीपींस की नाव को चीन के जहाज ने टक्कर मार दी। खबर के मुताबिक फिलीपींस की नाव पर उस वक्त हमला किया गया जब वो पश्चिमी फिलीपींस सागर के पश्चिमी इलाके में मौजूद थी।
लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में अपने दुश्मन देशों को निशाना बना रहा है, क्योंकि वहां अमेरिका, फिलीपींस और ताइवान के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच के तौर पर काम कर रहा है। जबकि चीन ने भी अमेरिकी विमान और उसके जहाजों पर कड़ी नजर रखने के लिए वहां नौसेना और वायुसेना को तैनात कर रखा है, जो समंदर में तैनात होकर खुलेआम फिलीपींस को आंख दिखा रही है। और माना जा रहा है कि एक बार फिर बीच समंदर में ही चीन की सेना ने फिलीपींस को घेरने की कोशिश की। मलेशिया के मीडिया के मुताबिक चीन के जहाज ने फिलीपींस की मछली पकड़ने वाली नाव को टक्कर मार दी, और इसके जरिए चीन ने साफ इशारा कर दिया कि वो रुकने वाला नहीं है। मतलब कि दक्षिण चीन सागर को जंग का मैदान बनाने के लिए वो तैयार बैठा, क्योंकि आरोप है कि फिलीपींस के इलाके में घुसकर चीन ने उसे खदेड़ने की कोशिश की। मलेशिया के मीडिया के मुताबिक चीन के जहाज ने फिलीपींस सागर के पश्चिमी इलाके में उसकी नाव को टक्कर मारी और वो दक्षिण चीन सागर में मौजूद चीन के द्वीपों के बेहद करीब है। और आरोप है कि समंदर में फिलीपींस से भिड़ने के लिए चीन ने उसके ही इलाके में घुसपैठ कर दी, और ये माना जा रहा है कि ऐसा करके चीन फिलीपींस और अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है, ताकि दक्षिण चीन सागर में वो खुलकर मनमानी कर सके। भले ही अमेरिका फिलीपींस के साथ मजबूती के साथ खड़ा हो, लेकिन दुनिया के सामने चीन खुद को ताकतवर साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए वो अपने दुश्मन देशों की सीमा में घुसने से भी बाज नहीं आ रहा। लेकिन माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की तैयारियों से चीन भड़क गया और उसकी सीमा में घुसकर उसे धमकाने की कोशिश की। हाल के दिनों में ही फिलीपींस ने समंदर में चीन को उसकी ही चाल में फंसाने के लिए एक कोस्ट गार्ड स्टेशन तैनात कर दिया, क्योंकि फिलीपींस को घुटनों पर लाने के लिए चीन दक्षिण चीन सागर का ही इस्तेमाल कर रहा। वहां चीन की सेना आए दिन फिलीपींस की नावों को निशाना बना रही, इसलिए फिलीपींस ने चीन को चुनौती देने के लिए समंदर में अपना कोस्ट गार्ड स्टेशन बना दिया। और दक्षिण चीन सागर में बने कोस्ट गार्ड स्टेशन से फिलीपींस की नौसेना चीन पर कड़ी नजर रखेगी, क्योंकि इससे दक्षिण चीन सागर के ऊपर गश्त लगा रहे चीन के लड़ाकू विमानों और समंदर में उसके युद्धपोत पर नजर रखना फिलीपींस के लिए आसान हो जाए। बताया गया कि कोस्ट गार्ड स्टेशन में फिलीपींस ने रेडार सिस्टम को तैनात कर दिया। इसके साथ ही उसने वहां खतरनाक हथियार और मिसाइलें भी तैनात कर दी, जो चीन के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि फिलीपींस ने समंदर में चीन की चालाकियों को मात देने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर रणनीति बनाई, क्योंकि अमेरिका फिलीपींस के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इसलिए अमेरिका खतरनाक हथियार और रडार सिस्टम समेत ड्रोन की बड़ी खेप फिलीपींस भेज रहा है, यानी कि चीन को चारों खाने चित करने के लिए अमेरिका और फिलीपींस ने मिलकर बड़ा प्लान तैयार कर लिया, ताकि दुनिया के सामने दक्षिण चीन सागर को हड़पने की चाहत रखने वाले चीन का घमंड तोड़ा जा सके। क्योंकि चीन अपने जंगी जहाजों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर अपने दुश्मनों को खौफ दिखाता आया, इसलिए उसके दुश्मन देशों ने भी उसकी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ी तैयारी कर ली, और इसकी शुरुआत उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका ने कर दी। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक बाइडेन सरकार खतरनाक हथियार और रडार सिस्टम समेत ड्रोन की खेप फिलीपींस भेज रही है। मतलब साफ है कि चीन को पटकनी देने के लिए अमेरिका और फिलीपींस ने अपनी कमर कस ली। माना जा रहा है कि अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल कर फिलीपींस की फौज समंदर में चीन की सेना का डटकर मुकाबला करने वाली है, यानी बार बार जंग की धमकी देने वाले चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चीन लंबे वक्त से युद्ध का तीसरा मोर्चा खोलने की तैयारी में जुटा है। लेकिन एक साथ दो देशों से निपटना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ खतरनाक हथियार और रडार सिस्टम देकर ही फिलीपींस की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि उसने तो चीन पर नजर रखने के लिए फिलीपींस में अपनी सेना भी तैनात कर रखी। कुछ महीने पहले ही अमेरिका ने वहां अपने 4 सैन्य अड्डे बना दिए थे, यानी अमेरिका चीन की नाक के नीचे उसे बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि चीन के खिलाफ फिलीपींस की ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका ने वहां अपने सैनिकों की तैनाती कर दी। कुछ महीने पहले ही फिलीपींस ने अमेरिका को 4 एयरबेस दिए। इसके लिए साल 2014 में अमेरिका और फिलीपींस के बीच एक समझौता हुआ था, मतलब चीन के दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, और उन 4 एयरबेस से कभी भी अमेरिका चीन के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, क्योंकि फिलीपींस में बने अमेरिका के 4 सैन्य अड्डे दो देशों के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं। इससे न सिर्फ फिलीपींस बल्कि ताइवान को भी चीन के हमलों से बचाना अमेरिका के लिए आसान होगा। लेकिन इस बीच ताइवान स्ट्रेट में चीन के जासूसी गुब्बारे दिखने की खबर ने दुनिया भर में खलबली मचा दी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके इलाके में चीन के जासूसी करने के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल किया गया, और इन्हें ताइवान ने मार गिराने की धमकी दे डाली, क्योंकि आरोप है कि चीन ने ताइवान के इलाके में घुसकर जासूसी करने की कोशिश की।
वहां के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ताइवान स्ट्रेट में चीन के जासूसी गुब्बारों को आसमान में उड़ते हुए देखा गया और चीन की इस हरकत से ताइवान भड़क गया। दावा किया गया कि चीन के जासूसी गुब्बारों को ताइवान स्ट्रेट में जमीन से करीब 6400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा गया और इसके बाद ताइवान ने चीन के जासूसी गुब्बारों को आसमान में ही तबाह करने की चेतावनी दे दी। इतना ही नहीं, ताइवान ने तो ये भी आरोप लगाया कि एक दिन में चीन के 10 युद्धपोतों और 15 लड़ाकू विमानों ने उसकी सीमा में घुसपैठ की। लेकिन ताइवान के आरोपों को चीन ने सिरे से नकार दिया। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब किसी देश ने चीन पर गुब्बारों के जरिए जासूसी करने का आरोप लगाया हो। कुछ महीने पहले ही अमेरिका ने चीन पर जासूसी गुब्बारों का इस्तेमाल कर घुसपैठ करने का आरोप लगाया था, क्योंकि आसमान में उड़ते चीन के गुब्बारों ने अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी थी। और इस खबर के सामने आने पर आरोप लगा कि चीन ने अमेरिका की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए गुब्बारों का इस्तेमाल किया था। हालांकि चीन इस आरोप को नकारता रहा, लेकिन अमेरिका ने भी दुनिया के सामने उसे बेनकाब करने की ठान ली थी। अमेरिका की सेना ने चीन के उन गुब्बारों को आसमान में ही तबाह कर दिया। बताया गया कि आसमान में उड़ रहे गुब्बारों पर अमेरिकी सैनिकों ने साइड वाइंडर मिसाइल दाग दी और चीन की साजिश को नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो उन गुब्बारों के मलबे से जासूसी करने वाले डिवाइस मिलने का भी दावा कर दिया था। उधर ब्रेकिंग न्यूज है छत्तीसगढ़ के सीएम पद की रेस से जुड़ी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने की खबर है। रमन सिंह ने जेपी नड्डा के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। रमन सिंह को सीएम पद के दावेदारों में माना जा रहा है। रमन सिंह 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो यतेंद्र कुछ अभी मतलब निकाला जाए इस मुलाकात का या नहीं? देखिए किशोर, जो बीजेपी सूत्रों का दावा है कि जो डॉक्टर अरुण सिंह आए थे बहुत सारी मुलाकात है, जिसके बाद हर प्रदेश का नेता अपने चाहे वो राज्य नेतृत्व में चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व। यतेंद्र आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप अगर कहीं मूव कर रहे हैं तो एक जगह रुक के अगर बताएं। देखिए रमन सिंह और जेपी नड्डा को औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है और यही बताया जा रहा है कि जीत के बाद नेता अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलते हैं और इसी करके सभी राज्यों के नेता जो प्रमुख नेता है वो अपने बीजेपी जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। कभी छत्तीसगढ़ जो विधायक दल की बैठक है वो संडे को होगी सुबह 11 बजे, जिसमें विधायक दल अपने नेता का चुनाव करेंगे। और फिलहाल जो रमन सिंह की मुलाकात है इसको बीजेपी औपचारिक मुलाकात ही बताई है। इसको रमन सिंह सीएम काफी लंबे समय कर रहे हैं, लेकिन जो इस सभी नेता मिलने आ रहे हैं, तो ऐसे में ज्यादातर जब भी ये बड़े लीडर्स के बीच में मुलाकात होती है तो वो इस तरह की मुलाकात की सीएम पद को दावा ठोक रहे हैं, इस तरह का मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। यही बीजेपी सीट नेतृत्व ने कल जब अनौपचारिक बातचीत पत्रकारों के साथ हुई थी उन्होंने यही बताया था कि हर नेता जो भी चुनाव जीत कर आता है वो अपने शीर्ष नेतृत्व से या प्रदेश नेतृत्व से मिलता ही है और इन मुलाकातों को उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। शुक्रिया यतेंद्र आपका। उधर ब्राजील में एक मशहूर फुटबॉल क्लब की हार के बाद भड़के प्रशंसकों ने जमकर हंगामा किया। ब्राजील की सबसे बड़ी चैंपियनशिप में उस फुटबॉल क्लब की हार से उसके समर्थक बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने साओ पाउलो शहर की सड़कों पर जमकर आतंक मचाया, क्योंकि ब्राजील के मशहूर फुटबॉल क्लब सांतोस को ब्राजील लीग में हार का सामना करना पड़ा और इस हार से उसके फैंस इस कदर भड़क गए कि उन्होंने जगह जगह आगजनी कर दी। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें सैकड़ों लोग सड़कों पर भागते दिखे और घोड़े पर सवार पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन अपने चहेते फुटबॉल क्लब की हार से उसके प्रशंसक इस कदर बौखलाए हुए थे कि उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया और उसकी वजह से पुलिस भी इधर उधर भागने लगी। वीडियो में कुछ लोग पुलिस पर पत्थरबाजी करते दिखे तो कुछ लोग पुलिस के सामने पटाखे जलाते नजर आए और इसकी वजह से वो घोड़े भी लड़खड़ाने लगे जिन पर सवार होकर पुलिस उन लोगों का पीछा कर रही थी। एक तस्वीर में दिखा कि पटाखे चलने की वजह से एक घोड़ा लड़खड़ाया और उसने अपने ऊपर सवार पुलिस कर्मी को ही नीचे गिरा दिया, क्योंकि उस फुटबॉल क्लब के प्रशंसकों ने ब्राजील की सड़कों पर उपद्रव मचा दिया। गुस्साए लोग मैच खत्म होते ही सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ करने लगे और उसकी वजह से ब्राजील की पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। सांतोस फुटबॉल क्लब और फोर्टालेजा टीम का मैच खत्म होते ही उस स्टेडियम में भगदड़ मच गई। लोग अपना सामान छोड़कर वहां से भागने लगे। जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें उस स्टेडियम के बाहर की सड़कों पर
लोगों का सामान बिखरा नजर आया और लोग खुद को बचाने के लिए वहां से भागते दिखाई दिए। हार से भड़के लोगों ने उस स्टेडियम के बाहर कई जगहों पर आगजनी कर दी। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में दमकल कर्मी एक गाड़ी में लगी आग को बुझाते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि गुस्साए लोगों ने उस स्टेडियम के बाहर खड़ी कई गाड़ियों और बसों को आग के हवाले कर दिया और उसकी वजह से वहां दहशत का माहौल पैदा हो गया। क्योंकि ब्राजील का सबसे चहेता फुटबॉल क्लब 111 साल के इतिहास में पहली बार ब्राजील की सबसे बड़ी चैंपियनशिप में हार गया और इसीलिए उसके समर्थक की हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने ब्राजील की सड़कों पर संग्राम मचा दिया। सांतोस फुटबॉल क्लब को जीतता देखने के लिए स्टेडियम में उसके प्रशंसकों की भीड़ लग गई थी, लेकिन जब फोर्टालेजा टीम ने आखिरी गोल कर मैच जीत लिया तो उस स्टेडियम के बाहर प्रशंसकों का हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि 111 साल के इतिहास में पहली बार सांतोस फुटबॉल क्लब इस चैंपियनशिप में हारा था। ये वही फुटबॉल क्लब है जिससे स्टार फुटबॉलर नेमार ने अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने इसी क्लब से अपने 100 गोल पूरे किए थे। यही वजह रही कि जब इस क्लब ने चैंपियनशिप हारी तो उसके फैन बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही, इससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नई ऊंचाई पर बंद हुए। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट का माहौल रहा, लेकिन इसके बावजूद आईटी, बैंक और रियल एस्टेट सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी हुई, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 69,825 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 68 अंकों की तेजी के साथ 20,969 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। इसका कब पक्का नाता है, इसका कब पक्का नाता है, मौसम है, आता जाता है। सौबात की एक बात कही अश्विनी ने, जिन्हें चलाना आता उनका खोटा सिक्का चल जाता। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की बात।